नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश चौधरी देवदर्शन राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम भगवान देव नारायण जी की कथा का 8वां भाग सुनेंगे। पिछले 7 भागों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कथा के अनुसार रास्ते में रानी सोचती है कि बगड़ौती की परीक्षा लेती हूँ और देखती हूँ कि ये राव जी की सेना से मुकाबला कर पाएंगे या नहीं। रानी वहीं पर घोड़े से उतर जाती है और अपने पांव की पायल खोलकर गिरा देती है और कहती है कि मेरी पायल बावड़ी में गिर गई है, उसे निकालो, अपनी कारामात दिखाओ, नहीं तो मुझे यहीं छोड़कर वापस चले जाओ। सवाई बोध शिव महादेव जी का ध्यान करते हैं और पानी के ऊपर पायल तैरने लग जाती है। सवाई बोझ रानी को पायल वापस दे देते हैं। जब वो वापस वहाँ से चलने लगते हैं तब भवानी ने मेल से तीतर बनाकर घोड़ी के पाँव में छोड़ देती है, जिससे घोड़ी चमक जाती है और उछलने लग जाती है। तब सवाई बोझ की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और रानी जयमती कहती है कि सवाई बोझ जी, घोड़ी के चमक जाने से ही आपका कलेजा जोर से धड़कने लगा है। आप मुझे लेकर तो जा रहे हो, मगर राव जी की विशाल सेना के सामने क्या लड़ सकोगे? तो सवाई बोझ को जोश आ जाता है और वो अपनी तलवार से 11 हाथ की एक चट्टान को चीर देते हैं। ये देखकर रानी सोचती है कि एक ही वार से चट्टान चीर दी तो राव जी का क्या हाल होगा, जब सभी 24 भाई एक साथ लड़ाई करेंगे। रानी जयमती वहीं पर सवाई बोझ से वचन लेती है कि राव जी की सेना से युद्ध के समय आप सभी 24 भाई अपनी सेना के साथ राव जी से एक एक कर युद्ध करोगे, सभी भाई साथ मिलकर युद्ध नहीं करोगे। सवाई बोझ रानी जयमती को वचन दे देते हैं कि हम साथ मिलकर युद्ध नहीं करेंगे। सवाई बोझ रानी जयमती को गोठा में लाने से पहले राता देवरा में उतारते हैं। राता देवरा में सवाई बोझ और नियाजी भवानी को दारू पिलाने के लिए मनुहार करते हैं। भवानी कहती है कि आप लोग माथा देओ तो मैं दारू पीऊँ, और कहती है कि आपके घर से मुझे बधाई के गीत गाते हुए लेने आए तो मैं घर चलूँ। जब बगड़ावत वहाँ से घर वालों को खबर देने गोठा चले जाते हैं तब वहाँ पर पोमा घासी आ जाता है और रानीता से कहता है कि आप मेरे साथ शादी कर लो, बगड़ावतों के यहाँ तो पहले से ही बहुत सारी रानियाँ हैं। भवानी उससे बगड़ावतों के घर की सारी बातें पूछ लेती है और बाद में नौहत्ती शेरनी बनकर हुंकार भर लेती है। पोमा घासी शेरनी को देखकर डर के मारे गिर जाता है, उसके रोटी और प्याज बिखर जाते हैं और मटकी की फूट जाती है। गांव की गुजर महिलाएं बधाई के गीत गाते हुए रानी को लेने के लिए आती है, साथ में 24 भैया की रानियां भी आती है। तो रानी जयमती दीप कंवर से पूछती है कि तू किसकी बेटी है और ये किसकी बहू है। दीप कंवर बाई रानी को जवाब देती है कि मैं सवाई बोझ की लड़की हूँ और ये काका नियाजी की रानी नेतू जी है। सभी रानियाँ तो रानी जयमती के पाँव छूती है मगर नेतू जी नहीं छूती। जब सब औरतें रानी को लेकर गोटा पहुंचती है तो वहां पर साधु माता आरती उतार कर नववधू का स्वागत करती है। रानी जी साधु माता से कहती है कि वह आपने बहुत प्यार से मेरा स्वागत तो किया है, आज तो मैं आपकी सोत बनकर आई हूं। जब देवनारायण भगवान आपकी गोद में खेलेंगे तब मैं आपकी बहू बनकर आऊँगी। रानी जयमती को उनके महल में ले जाया जाता है। रानी जयमती और सवाई बोझ गोटा के महल में चौपड़ खेलते हैं। इधर जब राव जी शिकार से वापस लौटते हैं तब महल में रानी के गहने पड़े हुए देखते हैं। उन्हें नीमदेव जी कहते हैं कि भाई बगड़ावत रानी साहब को भगाकर ले गए हैं। यह बात सुनकर राव जी को यकीन नहीं होता और वो कहते हैं कि वो तो हमारे धर्म भाई हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। राव जी चारों ओर संदेशवाहक रानी साहब का पता लगाने के लिए भेजते हैं। तब पता चलता है कि रानी साहब तो बगड़ावतों के यहाँ गोठा में है। तब जाकर राव जी को विश्वास होता है कि बगड़ावत रानी को भगा कर ले गए हैं। राव जी नियाजी को एक परवाना लिखकर भेजते हैं कि भाई रानी को वापस भेज दो। नियाजी जवाब में राव जी को पत्र लिखते हैं कि हमने तो रानी शिव जी को चढ़ा दी है, आपको रानी चाहिए तो दूसरा ब्याह कर लो। दूसरा परवाना राव जी ने बाघ जी को लिखा कि रानी को आपके बेटे ले गए हैं, सवाई बोझ को समझा कर रानी वापस भेजो। इस तरह राव जी बगड़ावतों को समझाने का खूब प्रयास करते हैं लेकिन रानी साहब को वापस राण पहुंचा दो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। मगर बगड़ावत अपनी बात पर अड़े रहते हैं। अब राव जी एक संदेश बाबा रूपनाथ के यहाँ भेजते हैं कि आपके चेले बगड़ावत रानी को ले गए हैं, आप उन्हें समझाइए कि वे रानी को वापस भेज दें।
बाबा रूपनाथ राव जी को जवाब देते हैं कि रानी तो अब हमारी शरण में आ चुकी है, आपको अगर लड़ाई करनी है तो पहले रूपायली पर हमला करो, बगड़ावतों तक जाने की जरूरत ही नहीं है। फिर बाबा रूपनाथ बगड़ावतों को संदेश भेजते हैं कि आप सब लोग लड़ाई के लिए तैयारी कर लो, राव जी से युद्ध करना है, अब चाहे जो हो जाए रानी जी को वापस नहीं भेजना है। सभी बगड़ावत अपने गुरु का संदेश पढ़कर जोश से भर जाते हैं। एक संदेश तेजाजी बगड़ावत को पाटन की कचहरी में भी भेजा जाता है और तेजाजी बगड़ावत भी युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। लड़ाई शुरू करने से पहले बगड़ावत अपने सभी सामंतों को संदेशवाहक भेजकर फौज इकट्ठी कर लेते हैं। दुगने जोश से युद्ध की तैयारी के लिए अपने अपने गाँवों पर पहुँच जाते हैं। रानी जयमती को दिए वचन के अनुसार सभी भाइयों को अलग अलग ही लड़ाई लड़नी थी। इधर रावजी अपने 42 गुढ़ों के खास सामंतों जिनमें दियाजी, कालूमीर पठान, टोडा का सोलंकी इत्यादि के साथ अपनी सेना को रूपायली में बाबा रूपनाथ पर हमला करने के लिए भेजते हैं। वहां बाबा रूपनाथ जी अपने सभी नागा साधुओं की फौज के साथ युद्ध के लिए तैयार होते हैं। बाबा रूपनाथ जी रावजी की फौज को आते देख अपने पालतू कुत्तों को खुला छोड़ देते हैं। गाथा के अनुसार इनकी संख्या 500 बताई गई है। राव जी की फौज इन कुत्तों को हमले से भाग छूटती है और राव जी के यहाँ वापस लौट आती है। उनके कई सैनिक इस लड़ाई में मारे जाते हैं। दूसरा हमला राव जी नेगड़िया पर करते हैं। वहाँ नियाजी 6 महीने के नींद में सो रहे होते हैं। नियाजी की रानी नेतूजी हाथ में कलश लेकर उन्हें जगाने आती है, लेकिन नियाजी नहीं जागते। फिर नेतूजी नियाजी की माँ लखमा दे राठौड़ को नियाजी को जगाने के लिए बुलाती है, लेकिन वे भी उनको नहीं जगा पाती। तब नियाजी के लड़के जोधा और जगरूप अपनी माँ को कहते हैं कि पिताजी को क्यों जगाती हो, उन्हें सोने दो, हम लड़ाई करने खुद जाएंगे। माँ नेतूजी अपने बेटों को मना करती है कि अभी तुम छोटे हो, अभी तुम्हारी युद्ध में जाने की उम्र नहीं है। इस पर जोधा और जगरूप जिद करते हैं कि हम रावजी से अकेले ही निपट लेंगे, पिताजी को सोने दो, उन्हें मत जगाओ। नेतू अपने दोनों बेटों जोधा जगरूप की आरती करती है और उन्हें युद्ध के लिए भेजती है। जोधा जगरूप रावजी की सेना से युद्ध करने के लिए जाते हैं। दोनों भाई रावजी की फौजों से लड़ाई करते हुए कई सामंतों और सरदारों को मार देते हैं और 3 दिन तक लगातार युद्ध करते रहते हैं। जोधा जगरूप का युद्ध देखकर भवानी हीरा को कहती है कि ये 2 लड़के युद्ध करने आए हैं और रावजी की फौज के 60,000 सैनिकों को ख़त्म कर दिया है। यह देखकर रानी भवानी ने एक चक्र चलाया और दोनों भाइयों के माथे उतार दिए। जब रावजी ने दियाजी से पूछा कि आज की लड़ाई कैसी रही, दियाजी ने कहा टोडा का रावजी आज काम आ गए और हमने सभी फौज में मरने वालों की पगड़ी और उनके शव उनके घर भेज दिए। नेतूजी संदेशवाहकों से युद्ध के समाचार पूछती है तो संदेशवाहक कहता है कि आपके कौरव ने युद्ध तो अच्छा किया, लेकिन वह दोनों भी मारे गए। जोधा और जगरूप दोनों ही शादीशुदा नहीं थे, इसलिए नेतूजी जब अपने बेटों के कटे हुए सिर और धड़ों की आरती के लिए आती है, गिद्धों से बात करती है और पूछती है कि तुमने मेरे बेटों की लाशें को क्यों नहीं खाया। गोद जोधा जगरूप की लाशों को देख कर कहती है कि अभी इनके मरने की उम्र नहीं थी, मगर भवानी को लाने से यह दिन देखना पड़ा, इसलिए हम इन्हें नहीं खाना चाहते। भवानी जोधा और जगरूप के सिर अपनी मूंड माला में धारण करती है। नेतू अपने दोनों बेटों के कटे हुए धड़ की आरती उतार कर विलाप करती है और अपने पति नियाजी को जगाने के लिए महल में चली आती है। तीसरा हमला रावजी की सेना अटाली पर करती है, जहां बगड़ावत भाई अटालिया जी अपनी 1,000 सेना के साथ रावजी के साथ युद्ध करते हैं। रावजी के छोटे भाई अमादे जी मारे जाते हैं। रावजी की सेना से संग्राम करते हुए अटालिया जी आलो जी भी युद्ध में मारे जाते हैं और भवानी उनका सिर काट अपने मूंड माला में धारण कर लेती है। चौथा हमला रावजी रायला पर करते हैं, जहां सवाई भोज की बेटी दीप कंवर बाई रावजी की सेना में मार काट मचा देती है। दीप कंवर बाई मर्दाना वेश कवच धारण कर रावजी की सेना से घोर संग्राम करती है और उनकी काफ़ी सारी सेनाओं को अपनी तलवार के झटके से अलग कर देती है। अंत में वह दियाजी और कालूमीर से युद्ध करते हुए मारी जाती है, जिसका सिर काट कर भवानी अपनी मूंड माला में धारण कर लेती है।
बगड़ावत के बड़े भाई तेजाजी बगड़ावत को जब दीप कंवर की मौत का पता चलता है तो वह भी युद्ध में आ जाते हैं और अपने घोड़ों को रावजी की फौज के सामने खड़ा कर देते हैं और दियाजी और कालूमीर की फौज काट देते हैं। तेजाजी बगड़ावत 7-7 कोस तक रावजी की फौज को काट डालते हैं, अपना भाला रावजी पर फेंकते हैं। उस भाले के वार से भवानी रावजी को बचा लेती है। इधर युद्ध भूमि से वापसी आकर नेतुजी नियाजी को जगाती है और कहती है कि उठिए, आपके दोनों बेटे घमासान युद्ध में मारे गए हैं। यह बगड़ावत भारत कथा का 8वां भाग है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है और 9वां भाग देखना चाहते हैं तो देव दर्शन राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को शेयर करें और कथा में कुछ कमी नज़र आ रही है तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।